नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। आज बात करेंगे, हम सभी अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, वहीं ज्योतिषी शास्त्र अपने वर्तमान और भविष्य दोनों की जानकारी दे सकता है। तो चलिए जानते हैं आपके आज के तारे क्या कहते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज आपकी आय मनचाही नहीं हो पाएगी, आपके विरोधी सक्रिय दिखेंगे, आपका कोई बड़ा काम मिलने के योग बन रहा है, बेकार की चिंताएं हावी हो सकती हैं। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। चलिए उपाय पर नजर डाल लेते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हनुमान जी को केले का भोग लगाया आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब वृष राशि की बात करते हैं। आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, आपका पराक्रम श्रेष्ठ होगा और कार्यों की गति आएगी, आपकी आय सामान्य बनी रहेगी और भाग्य के साथ मिलेगी। अगर आप छात्र हैं और विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। मुसीबत के वक्त परिवार से आपको मदद और सलाह हासिल होगी। राशिफल के बाद अब जानते हैं उपाय। गणेश जी को सुगंधित पदार्थ अर्पित करें। उपाय के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके कार्य समय पर पूर्ण होंगे, परिवार से सुख मिलेगा और शान की प्राप्ति होगी, नई संपत्ति खरीदने का मन बनाएंगे, विवादित मामलों में विजय मिलेगी, आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपके निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें, आपका ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताएंगे, मानसिक स्पष्टता आपको व्यवसाय में प्रतिस्पर्धाओं पर बढ़त दिलाएगी। चलिए अब उपाय बता देती हूँ आपको। दुर्गा जी को फल का भोग लगाया आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं मिथुन के बाद कर्क राशि की। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा और नए कार्य भी मिलेंगे, लाभदायक यात्रा का योग बनेगा, खर्च अधिक होने के बावजूद पैसे की पूर्ति होगी, आपको वाहन सुख प्राप्त होगा और संतान से प्रसन्नता मिलेगी। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। दूसरों को खुशियाँ देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। अब राशिफल के बाद बात करते हैं उपाय की। निधन को वस्त्र दान करें। और अब सिंह राशि की बात करते हैं। आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, किसी से मदद की अपेक्षा बेकार जाएगी, आपको वाहन से कष्ट हो सकता है, आपके कार्य में देरी हो सकती है, आपके धार्मिक यात्रा में योग बन रहे हैं, घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है, जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपके आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। उपाय की बात करते हैं। शिव जी को सुगंधित पुष्पों का माला अर्पित करें, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। पेचीदा हालात में फंसने पर घबराए नहीं, अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। मुमकिन है कि परिवार वाले आपको उम्मीदों को पूरा ना कर सके, इस बात की इच्छा ना करें कि वे आपके मुताबिक काम करेंगे, बल्कि आपके काम करने का तरीका बदलकर पहल करें। और अब उपाय जान लेते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए अपने इष्ट देव की लोहे की मूर्ति बनवाकर उनकी पूजा करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त होगा, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, परिवार में वर्चस्व में वृद्धि होगी और विवादों में विजय मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को आज महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप तनावग्रस्त और चिंतित हो सकते हैं। कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश नजर आएगा। अब राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। बड़ी स्त्री जैसे कि माँ, दादी, नानी या कोई बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद ग्रहण करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुला के बाद अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है, आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी, दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। ऐसे दिन है जब काम का दबाव कम रहेगा, आप परिवार के साथ समय बिताने का मजा ले पाएंगे। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। दिन के किसी एक भोजन में नमक ना खाएं, इससे प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की।
आपके मानसिक स्वास्थ्य में ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। इस राशि में जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं उन्हें आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि रचनात्मक कार्य करने से बेहतर नौकरी करना था। नए विचारों और आइडियाज को जांचने का बेहतरीन वक्त है। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। विष्णु मंदिर में सूर्य की वस्तुएं जैसे कि गेहूं, साबुत मसूर, गुड़ का दान करें, लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। दोस्त और घर वाले आपको प्यार और सहयोग देंगे। आप आज रूहानी प्यार की मदहोशी महसूस कर सकते हैं। इसके महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। आज आप ऑफिस से घर आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन में शांति मिलेगी। और अब राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सूर्य चालीसा पढ़े। और उपाय के बाद अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा आज का दिन रहेगा। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ ले। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति को भंग न करने दें। अब राशिफल के बाद बात करते हैं उपाय की। नौकरी में उन्नति के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं। और अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। आपके कार्य समय पर होंगे और नए कार्य भी मिलेंगे। आपकी आय बढ़ेगी और वर्चस्व में वृद्धि होगी। आपके मन में बुरे विचार आएंगे और शत्रु हावी होने का प्रयास करेगा। आप लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उबरकर पूरी तरह सेहतमंद हो सकते हैं। खुदगर्ज और गुस्सैल इंसान से बचे जो आपको तनाव दे सकता है और आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। उपाय जान लेते हैं। शिवजी को सूखे मेवे का भोग लगाए, इससे शिवजी खुश होंगे। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।